डिजिटल चैम्प्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर। आई होप आप सभी ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू ऑलरेडी नो, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7th चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूँ तो आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है और एक्चुअल में ये मेथड जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे? अरे अभी देखते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्या आप इस स्लाइड को देखकर बता सकते हो ये स्लाइड में क्या शो किया गया है? आज दोबारा से साइंस की क्लास में आप डिटेक्टिव मोड पर हो और मुझे जल्दी से बताओ कि इस स्लाइड में एक्चुअल में क्या शो किया गया है। यस, ये है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर जो हमें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर होता है, तो उसे प्योरीफाई ही हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आपको क्या लगता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? सोचो सोचो, बताओ। क्रिस्टलाइजेशन जो हमारा मेथड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो हमने यही तो पढ़ा था, जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता तो हम क्या कहते हैं उस चेंज को? येस, वेरी वेल डन। उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। देखो कितने सुंदर क्रिस्टल लग रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कैसे इन प्लेट्स के ऊपर जो है ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कल कर रही है, शाइनी सा नेचर है और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल बन रहे हैं। देखो एक और स्लाइड जिसमें आप क्रिस्टल की शेप देख पा रहे हो, कैसी क्रिस्टलाइन से शाइनी से क्रिस्टल है। यहाँ देखो क्रिस्टल की फॉर्मेशन, कितनी प्यारे से क्रिस्टल फॉर्मेशन हुए हुए हैं। तो आप सोच रहे होगे कि मैम काफ़ी देर से क्रिस्टल के बारे में बता रही हैं, बट एक्चुअल में ये क्रिस्टल बनते कैसे हैं? क्या हम इन्हें खुद बना सकते हैं? यस, ये हम खुद बना सकते हैं। और ये वन ऑफ दी साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसे हम घर में खुद बना सकते हैं। हम चीनी के या तो नमक के या हम डिफरेंट कलर्स के क्रिस्टल बना सकते हैं। बट कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम क्रिस्टलाइजेशन कैसे साइंस से रिलेटेड है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो आपको क्लियर है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन ये हमारा कैसे होता है, क्रिस्टल्स के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू होता है। और ये क्या है, एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है और ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। और इसी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल फॉर्म होते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन से हमने सॉल्ट के ही क्रिस्टल बनाए, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा इम्प्योर था और उससे हमने सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाए जो कि हमारा प्योर था। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। आई रिपीट द वर्डिंग्स। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है वो डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी पे। जितने अच्छे से सब्सटेंस जो है प्रॉपर्ली सॉलेबल होगा सॉल्वेंट में, उतने ही अच्छे से क्रिस्टल फॉर्मेशन होंगी, उतना ही शाइनी क्रिस्टल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली क्रिस्टल क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न की अरेंजमेंट होती है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, जो कि आपने अभी अभी क्रिस्टल फॉर्म के टाइम पे देखा। देखो कैसे रेगुलर सी अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट क्रिस्टल्स की। आई होप क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।